सिंगरौली जिले के मोरवा वार्ड क्रमांक 10 के विस्थापितों ने एनसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीएल जैन परियोजना द्वारा 10 साल पूर्व भू अर्जन किया गया था, लेकिन अभी तक मुआवजे का वितरण नहीं किया गया, जबकि रिहायशी एरिया से सटे हुए क्षेत्र में लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। लगातार रिहायशी क्षेत्र में ब्लास्टिंग होने से पत्थर घरों पर आकर गिरते हैं, जिससे जन व धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू ने कहा कि हैवी ब्लास्टिंग की वजह से निकले पत्थर घरों पर गिर पड़ते हैं, जिससे रोज भय का माहौल बना हुआ है। इन पत्थरों से गिरने से बड़ी हानि भी हो सकती है। मुआवजे को लेकर कई बार आंदोलन किए गए, धरना प्रदर्शन किया गया, कई बार एनसीएल प्रबंधन के साथ मीटिंग भी की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सत्येंद्र साहू का कहना है कि सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक अगर इस तरफ ध्यान दें तो इस समस्या का निदान हो सकता है। उनका कहना है कि विस्थापितों के साथ एनसीएल जयंत एवं दुदीचुआ परियोजना द्वारा अन्याय किया जा रहा है, इसके लिए उच्च स्तरीय टीम बनाकर इसकी जांच करानी चाहिए। बॉर्डर पर और हम लोग के घर के पास इतना भयंकर ब्लास्टिंग हो रहा है जो हम लोग न जीने दे रहा है, इंसान न जी रहा है। और यहाँ घर के पास रोड निकाला है, घर गिर जर्जर पहले से हो चुका है, और ना सही सलामत मुआवजा दे रहा है, ना सही सलामत कहीं हम लोग को बसेरा। दिक्कत ये जा रही है कि 1982 से लेकर आज तक वितरण जो है कि मुआवजा का सही से नहीं हो पाया गांव के लिए, जो है कि किसी में किसी भी अर्झा के फंसा के रखे हुए हैं गाँव के लोगों को। ये जो है कि ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र है, हमारी पार्षद महोदय बगल में हैं जो यहाँ के बीजेपी की पार्षद हैं, और इनका भी घर उजाड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जबकि देख लीजिए, वीडियो भी देख दिया जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना बगल में ब्लास्टिंग हो रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।